अपने लिए पैसे कमा पाते हैं, ना वो अपने परिवार को खिला पाते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते से जो जमीन बिक्री होकर के वो फिर शहर में जाकर गरीब बन जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 2022 तक सारे किसानों की आमदनी 2 गुना की 10 गुना ज़्यादा बढ़े, लेकिन ये तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हम लोग अपने जो खेती बाड़ी है उसको दो तीन तरीकों से बदले। सबसे पहले ये तरीका है कि जो गन्ना उगा रहे हैं, मैं बहुत साधारण तरीके से बता रहा हूँ, गन्ना जो उगा रहे हैं वो अगर ड्रिप इरिगेशन तिनका पानी जो लाइन में जाता है उसमें छेद होते हैं, एक एक बूंद का फूल गिरता है, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो आपका गन्ना 3 गुना ज़्यादा मिठास उसमें आता है और आपका पानी भी बच जाता है। अगर गन्ना करना है तो ड्रिप इरिगेशन को लगाना पड़ेगा और सरकार के पास पैसे हैं जो वो देती है ड्रिप इरिगेशन के लिए, लेकिन इनसे बढ़कर के मैं 3-4 चीज़ें आपको देना बताना चाहती हूँ। एक तो शाही जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने इनको पिछले महीने आग्रह किया था इस चीज़ें लाने के लिए और बहुत ही शीघ्र ही लाए। मैं चाहती हूँ कि ये 3-4 चीज़ें आप लगाएँ। सुंदर जो गन्ने का चीनी मिल, एक ही चीनी मिल है, मेरे पति ने लगाया, जर्जर हालत में है, वो जर्जर हालत को अगर हमने बचाना है 550 करोड़ रुपये, ये 550 करोड़ रुपये आपकी जो देश के, मैं कहती हूँ कि इसके बचाव अगर आप जी करें तो मैं लाई हूँ बैंगलोर से एक वैज्ञानिक, ये आए हैं, ये आपसे अभी लंबी बात करें, आप समझ जाओ विजय, आप यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए छोड़ दो। ये है क्या नाम है, ये राजशेखर पाटिल, इन्होंने अपने पैसों से हवाई जहाज से 100 लाए हैं बांस के पौधे। एक बांस का पौधा अगर आप लगा लेंगे वो 2 साल के अंदर अंदर एक पौधा आपको 5,000 रुपये देगा। जो पौधे को लाए हैं वो 100 रुपये का एक बिकता है और एक पौधे के बनते हैं अगर ठीक से करो 50 से लेकर के 200। समझ गए? अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो लोग बांस का पौधा लगाएंगे, मैं अभी जाती हूँ कारखाने वाले, ये आपको समझा देंगे किस चीज़ में काम होता है। एक तो कागज चाहिए, फिर उसके बाद प्लाईवुड बनता है, इससे अगरबत्ती सारे बत्तियाँ बनते हैं। इससे 20,000 करोड़ का मास इंपोर्ट होता है भारत में। इस वक्त हम लोग 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का मास ला रहे हैं। सरकार ने इस बजट में उसके ऊपर टैक्स लगाया, तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में उगाना बहुत जरूरी है। मैं लौटी पूंजीपति, जो किसान लगाना चाहता है उनके साथ वो MOU साइन करें और वो MOU साइन करेंगे कि जो भी आप उगाते हैं वो घट गए, समझ गया आप, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। आप अपने खेतों में जहाँ जहाँ आपके पास जगह हो सेब के पेड़ लगाए। ये जो सेब का पेड़ गुजरात से है, कौन है वो? गुजरात से पीलीभीत में आए थे, पीलीभीत में मैंने 10 पेड़ लगाए, 2 साल के अंदर अंदर मोटे मोटे सेब हो जाते। इस वक्त हम लोग पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सेबों की क्या बोलते हैं आयात हो रहे हैं। सरकार ने लड़ाई की है और वो आयात को बंद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सेब की कीमत 3-4 साल में 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये तक बन जाए। उससे पहले आप लोगों को
तैयार होना चाहिए। जब मैं 10 फेल लाई थी पीलीभीत में, चलते चलते किसानों ने 2 साल के अंदर अंदर 12,000 पेड़ लगाए। अब आप लोग के लिए ये 100 पेड़ लाए थे, ये 100 पेड़ तो बिक्री नहीं होगा, हो गए पता ले लो। और कम से कम यहाँ 50,000 अगर पेड़ लग जाए 2 साल के अंदर अंदर, एक पेड़ 1 क्विंटल देखो, 1 क्विंटल अगर 1 किलो के से इस बार बिकते हैं 60-70 रुपये को, तो सोचिए कि 1 क्विंटल में 1 पेड़ में से आप कम से कम 25,000 रुपये कमा सकते, आप सही कितने से। तो ये जरूर ले लें। तीसरी चीज जो मैं ला रही हूँ, जो साइंस आपको आते हैं लाने के लिए, वो है मेहंदी। सुन लीजिए मेहंदी की कहानी। मेहंदी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कम से कम हर शादी में 1 किलो इस्तेमाल होता नहीं होता, हाथों के लिए, पैरों के लिए, बगैर मुसलमान इस्तेमाल करते थे बाल करवाने के लिए। और हम अकेले नहीं, पाकिस्तान, इजिप्ट, लीबिया, सारे मुसलमान देश लेते, जहाँ भी हिंदू बसे हैं, अमरीका, इंग्लैंड, वो सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेहंदी है ही नहीं, एक गांव राजस्थान में जिसका नाम है सोजा, उनके पास ना पानी है, ना खेती है, ना कुछ है, लेकिन एक किसान वहाँ करोड़ मैं खुद उनके गांव गई हूँ, उन्होंने एक इंसान के संगमरमर के गांव के घर, उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं। अब क्यों मेहंदी के बदल इस मान लो सुल्तानपुर में दिन में शादी के कम दिन में कितने होंगे, 10,000 शादी। अगर एक शादी पर 1 किलो लग जाए तो 10,000 किलो, 1 किलो की कीमत 70 रुपये। बनाने में क्या होता है,